इंटरेस्टिंग। तो चलिए मैं आपको थोड़ा बैकग्राउंड दिखा देती हूँ। हमारे पास आलू कचौरी, आलू की कचौरी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड टुडे आई एम हियर विद अ न्यू एंड इंटरेस्टिंग फूड चैलेंज which I'll be continuing for legit 24 hours। एंड ये फूड चैलेंज काफी इंटरेस्टिंग है और मैंने इसकी काफी प्लानिंग की है और ये काफी मजेदार होगा। एंड सो अभी लेट्स ब्रेक द सस्पेंस। सो फूड चैलेंज का नाम है ईटिंग इंडियन फूड स्टार्टिंग विद लेटर ए फॉर 24 आवर्स। लाइक देखिए गाइस, सो मैं सारे इंडियन फूड्स खाऊंगी जिसका नाम ए से स्टार्टिंग होता है। लाइक ऐसे नहीं कि एप्पल खाऊंगी या फिर ऐसे एवोकाडो, नहीं, ए से मतलब आम या फिर समथिंग लाइक आलू, ऐसे काइंड ऑफ। सो फिर आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बहुत सारे कमेंट्स कीजिए, लाइक शेयर तो बहुत सारे कीजिए और आगे बढ़ते हैं हमारे वीडियो की तरफ। सो नाउ आई एम रेडी विद माय ब्रेकफास्ट और ब्रेकफास्ट में देखते हैं आज ए से हम क्या क्या डिशेस खाएंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव दिस यमी यमी आलू का पराठा और इट्स आलू का पराठा। और इधर है हमारे पास आलू कचौरी, आलू के कचौरी। और वी हैव आलू एंड मटर करी जो कि बहुत ही डिलीशियस लग रहा है। और अभी ये सारे खाना मेरी मम्मी ने प्रिपेयर किया है, सो अभी हम उसको एंजॉय करेंगे। सो चलो लेट्स बिगिन। पहले स्टार्ट करते हैं हम आलू के परोठे से, मतलब आलू के पराठे से। सो हम इसको थोड़ा डिप करेंगे आलू और मटर में। और वाओ, सो मच ऑफ आलूज एंड मटर्स, डिलीशियस। ये पराठा इज सो गुड। इतने सारे आलू है, घर पे बनाने का फायदा ही वही है, पूरा अंदर तक इतने सारे आलू। आलू मटर करी सुपर यम्मी, गोइंग वेल, वेरी वेल, लविंग इट, मजा आ रहा है। ये वाला चैलेंज बहुत इंटरेस्टिंग है और इसमें आपको बहुत सारे आइटम्स देखने को मिलेंगे। अभी हम इस कचौरी को खाएंगे जो कि आलू कचौरी है और इसके अंदर बहुत सारे आलू स्टफिंग होंगे। सो अभी हम इसको भी डिप करेंगे आलू वाले करी में। और अभी आई एम टेकिंग दिस बाइट। थोड़ा सा ठंडा हो गया है, इसलिए थोड़ा मतलब ऐसे सॉगी टाइप्स हो गया है, बट आई लव कचौरी। मुझे गरम गरम कचौरी खाने में बहुत मज़ा आता है। अभी तो थोड़ा ठंडा है लेकिन फिर भी इट्स सुपर यमी। आलू पराठा, आलू कचौरी, आलू मटर, सारे आलू वाले डिश। आलू इज जस्ट माई फेवरेट गाइस, इसीलिए आप में से आलू किस किस को पसंद है वो हमें कमेंट में बताइए। और आपको आलू के कौन से डिश पसंद है वो भी कमेंट करना मत भूलना। तो फिर मैं आराम से अपना ब्रेकफास्ट कंप्लीट करती हूँ, मिलते हैं आपसे लंच में कि और हम ऐसे कौन से इंडियन डिशेस खाने वाले हैं। सो स्टे ट्यून गाइस। लंच टाइम गाइस, सो नाउ इट्स अराउंड 2:30 PM और लंच के लिए मैंने कुछ बहुत ही स्पेशल मंगाया है गाइस, वो भी स्विगी से। तो फर्स्ट वी हैव, इट्स सो हॉट गाइस, अमृतसरी कुलचा। फिर वी हैव अचारी छोले जो कि काफ़ी टेम्पटिंग लग रहा है मुझे। एंड ये कुछ शायद प्याज वगैरह है जो कि हम नहीं खाने वाले। और टिश्यू पेपर्स और स्पून है, अब इसके नीचे रख देते हैं। अभी नाउ लेट मी जस्ट प्लेट इट। सो दिस इज़ हाउ माई प्लेट लुक्स। सो इधर है हमारा ऐसे अमृतसरी नान और इधर है हमारा अचारी छोले और ये है कुछ अचार। सो सब कुछ ऐसे और ये सारे इंडियन फूड्स ऐसे हैं। ये जो नान है इसके अंदर शायद इन्होंने पनीर या फिर चीज़ कुछ ऐसा स्टफिंग दिया है जो कि काफ़ी डिलीशियस है। थोड़ा ऐसा आप देख सकते हैं इधर से, देयर इज सम स्टफिंग, बहुत ही हल्का सा, और धनिया पत्ता है और लाइक अंदर का स्टफिंग इज़ क्वाइट गुड। आई वुड से कि ये अमृतसरी नान काफ़ी अच्छा है, लाइक बहुत ही सॉफ्ट है और अच्छा सा एकदम फ्लेकी है। बट आई डिडंट लाइक दिस छोले, मतलब अचारी वाला ज़्यादा फीलिंग आ नहीं रहा और ऊपर से छोले का जो मसाला है वो मेरे को थोड़ा इतना फ्रेश लग नहीं रहा। सो इसलिए दिस छोले इज़ नॉट एट ऑल रिकमेंडेड फ्रॉम माई साइड। बाकी यू कैन ट्राई दिस नान, अमृतसरी नान, दिस इज़ सो यमी। सो हमारे लंच के लिए इतना ही, अभी आई विल फिनिश इट थोड़ा सा और फिर हम मिलते हैं स्नैक्स के टाइम। सो गाइस अभी देखिए, अभी शाम के 6 बज रहे हैं और मेरे पीछे मौसम कितना सुहाना है। आज सैटरडे है तो आज मम्मी घर पे भी है, सो इसीलिए हमारे स्नैक्स टाइम में मम्मी ने बनाया है आलू प्याज के पकोड़े और अदरक वाली चाय, और दोनों ही ऐसे हैं। और क्योंकि हमारा चैलेंज चल रहा है तो फिर हम ऐसे यमी यमी स्नैक्स करेंगे। देखिए कितने क्रिस्पी और यमी यमी आलू के पकोड़े तले जा रहे हैं यहाँ पर। ये सुहाना मौसम और ये आलू के पकोड़े, वाओ इट्स सो अमेजिंग। और अच्छी तरह से हो रहा है इतना ज़्यादा नहीं, लेकिन मैं कैसे थोड़ी इसको पलट रही हूँ हो जाएगा। ओके गाइस, तो आज की एक्सपेरिमेंट के लिए भी इतना ही, अभी मम्मी को संभालने देते हैं। सो हमारे गर्मा गर्म आलू के पकोड़े और अदरक वाली चाय रेडी हो चुकी है गाइस, और देखिए कितना यमी लग रहा है, और देखिए कितना यमी लग रहा है। और अभी हम इसको एंजॉय करेंगे। सो लेते हैं हमारा फर्स्ट बाइट। देखिए गाइस कितने सुंदर से बनाया है ये, एकदम आलू और क्रिस्प पूरा एकदम क्रंची। अभी टेस्ट करते हैं। वाओ गाइस इतने मस्त बने हैं, पूरा क्रंची क्रिस्पी, मतलब सब कुछ इतने अच्छे से गार्लिकी टेस्ट आ रहा है गाइस, क्या बताऊं मैं। घर पे बनाने का ना यही फायदा है, मतलब बहुत सारा बना सकते हो, बहुत सारा खा सकते हो, एकदम अच्छे क्वालिटी का और अच्छे एकदम क्वांटिटी का भी। तो आई एम गोइंग टू एंजॉय दिस। और इसके साथ है हमारा अदरक वाला चाय, क्या आनंद है। सो यम्मी यार, अदरक का इतना ज्यादा फ्लेवर आ रहा है, लाइक मैं इतना ज्यादा अदरक खाती नहीं हूँ, बट इट्स सो टेस्टी, मतलब गले को भी एक राहत मिल रही है मुझे। सो फिर ये था हमारा स्नैक्स का टाइम, और इसी के साथ हम मिलते हैं डिनर के टाइम। सो इट्स डिनर टाइम गाइस। सो अभी डिनर में मैंने मंगाया है और एक स्पेशल, लेकिन मैंने थोड़ा इसको लाइट रखा है क्योंकि शाम को मैंने काफी हेवी खा लिया था, बहुत सारे पकौड़े। सो अभी के लिए वी हैव सम यमी यमी अंडा रोल। सो आई हैव ऑर्डर्ड माय फेवरेट अंडा वाला रोल फ्रॉम ग्रीन चिलीज, और देखिए अंदर काफी सारा फिलिंग से और कितना फ्लफी सा अंडा है। तो फिर चलो लेट्स टेस्ट इट। तो ये रोल काफी गर्म है और अंडे का जो लेयर है वो काफ़ी थिक है और बहुत टेस्टी भी है, और ऊपर से अंदर का जो फीलिंग है स्टफिंग्स वगैरह वो भी काफ़ी टेस्टी है। तो ओवरऑली इट्स काफ़ी गुड एंड गुड फूड, गुड मूड। सो गाइस अभी मैं ये रोल ख़त्म करती हूँ और मिलती हूँ आपको डेजर्ट के टाइम। सो गाइस दिस इज द लास्ट मील ऑफ द डे एंड इट्स डेजर्ट टाइम, और डेजर्ट तो मुझे बहुत ही पसंद है। सो इस बार ए से हमारा क्या डेजर्ट है, ए से आता है आम, और ऐसे कैसे हो ए वाला फूड चैलेंज करे और आम ना हो, तो इसीलिए मैंने मंगाया है आम का जार केक, वो भी आम वाले फ्लेवर में, सारे लेयरिंग से देखिए गाइस। और अभी मैं इसको ओपन करूंगी। ये आम का जेली लग रहा है एंड बहुत सारी क्रीम है। लेट मी टेस्ट इट। तो ये काफी यमी है, और मतलब आम का इतना अच्छा फ्लेवर है ना इसमें, मेरे को लगा था आम का फ्लेवर ज़्यादा होगा नहीं, बट इट्स डिलीशियस, वेरी वेरी डिलीशियस। पूरा अंदर तक लेयरिंग है केक, फिर मैंगो जेली, फिर क्रीम, फिर से केक, फिर जेली, अच्छे से कितना लेयरिंग किया गया है। और पूरा मतलब फुल बाइट लेने से पता चल रहा है कि कितना ब्यूटीफुल सा लेयरिंग है, काफ़ी अच्छा टेस्ट है। अभी मैं मेरा ये इंटरेस्टिंग सा ए वाला फूड चैलेंज यहाँ पे एंड करती हूँ, और इसी के साथ मैं आप सबको रिक्वेस्ट करूंगी कि मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, और इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स फैमिली सबके साथ शेयर कीजिए, और आपको जो जो इसमें से पसंद आया और जो जो आप सजेस्ट करना चाहते हैं मुझे, वो सब प्लीज़ कमेंट्स में कमेंट कर दीजिए। और इसी के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।